तो बिहार के नवादा में दबंगों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। महादलितों की पूरी बस्ती धूंधू कर जली। महादलित टोले में करीब 80 झुग्गियां थी जिनमें आग लगा दी गई। पुलिस के मुताबिक 20 से 21 झोपड़ियां पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जबकि पीड़ित कह रहे हैं कि महादलित टोला में जितने झोपड़ी थी सब जल गए। फिलहाल पुलिस ने 10 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और यह माना जा रहा है कि मामला जमीन के विवाद से जुड़ा है। इस आगजनी के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि ये राक्षस राज है। वहीं 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा दें, किस तरह आगजनी हुई है, फायरिंग हुई है, महादलितों के घर फूके गए हैं, बर्बादी के निशान बचे हुए आपको इन तस्वीरों में भी नजर आएंगे, जिसकी वजह से गम है, गुस्सा है और लोग गुहार भी लगा रहे हैं न्याय की। कौन इसके लिए गुनहगार है? 10 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार पर, प्रशासन पर अब सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि आखिरकार कैसे इस तरह से घर फूंक दिए जाते हैं, आगजनी कर दी जाती है और नामो निशान मिटाने की कोशिश होती है। 80 घर जलकर खाक हो गए हैं। तो यह हैवानियत की तस्वीर बिहार में नजर आती है, जहां पर पहले फायरिंग की गई, बाद में आग लगा दी गई उन झोपड़ियों को और अब कई लोगों के आशियाने उजड़ गए। नवादा में फायरिंग हुई, आगजनी हुई, महादलितों के घर फूके गए, बर्बादी के निशान दिख रहे हैं, गम, गुस्सा, गुहार लोग लगा रहे हैं इंसाफ की। 10 लोग फिलहाल अभी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश और गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है। नवादा के गांव कृष्णानगर में दबंगों ने महादलित बस्ती में कल बुधवार की रात तांडव मचा दिया। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं हम कृष्णानगर से, जहां आप देख सकते हैं कि यहां पर पूरा साजो सामान, सारे मकान, दर्जनों की संख्या में मकान जल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि बगल के गांव के ही लोग हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर नवादा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की बात मानी जाए तो साफ तौर पर भूमि विवाद को लेकर ये सब कुछ हुआ। सबसे बड़ी बात आपको ये बताएं कि जब कल रात ये घर जला दिए गए, यहाँ फायरिंग की गई, ऐसा आरोप लगाया जाता है। स्थानीय नागरिक बताते हैं कि पहले फायरिंग की गई और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर गांव में आग लगा दी गई। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से अब भी धुएं का गुबार धीरे धीरे राख में से उठता हुआ दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि जो स्थानीय नागरिक हैं वो काफी हलकान हैं, काफी परेशान हैं, उनका आशियाना छिन गया और उसकी वजह से रात उन्हें बाहर टेंट में गुजारनी पड़ी। हालांकि जहां तक स्थानीय प्रशासन की बात की जाए तो स्थानीय प्रशासन का कहना है कि करीब 2 दर्जन के आसपास घर जलाए गए हैं। हालांकि सर्वे का काम अब भी चल रहा है और स्थानीय प्रशासन के लोग के नुमाइंदे यहां पर अब भी लिखा पढ़ी का काम कर रहे हैं, लोगों से चीजें जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये समझना चाह रहे हैं कि आखिर कितना नुकसान हुआ इस पूरे मामले में। नागरिक हैं जो इस आग की विभीषिका से पीड़ित हैं, वो साफ तौर पर इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि अब उनका क्या होगा, अब उनके बच्चे क्या खाएंगे और अब रहने के लिए आशियाना किस तरह से उपलब्ध हो पाएगा। सहयोगी दीपक के साथ आदित्य वैभव, आज तक। तो 3 तस्वीरें भी आपके सामने हम रख रहे हैं। 80 घर जलकर खाक हो गए हैं, दबंगों का ये जमकर तांडव चला। हालांकि 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन अभी भी न्याय की गुहार उठ रही है। लोग अपने घरों को छोड़कर ऐसे रोने और बिलखने को मजबूर हैं, क्योंकि पूरी की पूरी झोपड़ियां, पूरा का पूरा आशियाना उनका उजाड़ दिया। कम से कम 100 का तादाद में थे उन लोग, उसका फायरिंग करते उसके बाद में पेट्रोल डाल करके जितना भी उनको घर मिला सब पे पेट्रोल डाल करके जलाते चले गए। उसके बाद में जब इधर से देखे सब बच्चे लोग को, तब जाकर के मैं सब सारा बच्चा, कम से 100 बच्चे को लेकर को मैं जाकर को छुपाया है। उसके बाद प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन के फोन करने बाद भी आए, उसके बाद उनका फायरिंग किया तो वापस चले गए। उसके बाद एसपी सर से फोन किए तो बोले अभी हम अरेंज कर रहे हैं फोर्स को रिजर्व फोर्स को भेज रहे हैं। उसके बाद कम से कम हमको लगता है 1 से 1.5 घंटे के बाद में प्रशासन यहाँ आई है। हम लोग रोटी पका रहा था, रोटी पका रहा, हमारा बच्चा कल पर था, वो देखा कि आ गया तो बोला कि पकड़ो पकड़ो, लड़की जा रहा है, लड़की जा रहा है। तो लड़की और दुपट्टा छोड़ दिया, भाग गया। हम लोग के बच्चा जैसे तैसे भागा, सब कोई जरा दिया ना जुड़ा पानी, पैसा था, रुपया, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, सब कुछ हमको जरा दिया। कोई एक मोबाइल था वो मोबाइल ले लिया, कोई एक अथी नहीं रहने दिया हमको घर में। अब कहा कि बल जाओ ने तो जरा देंगे, आप लोग के जरा देंगे भी। तो हम लोग जान के खखर से भाग गए,
जहाँ तहाँ काटा में छुप गए हैं बाल बच्चा को ले लेके, कोई भी हम लोग के साथ नहीं था। घटना ये है क्या, यहाँ पर पहले से टाइटल चल रहा था और उसी टाइटल के क्रम में एक भूमि का विवाद भी है, उसी के क्रम में प्रतिपक्षी लोगों ने किया है ऐसा इन लोगों ने बताया। इतना इनिशियल जो है क्लेम किया जा रहा था कि 40 से 50 घर जले हैं, जितना अभी तक सिविल साइड और पुलिस ने हमने मिल के रात के अंधेरे में जितना सर्वे किया है, अराउंड 21 घरों को परिवारों को हमने चिन्हित किया है। इसमें अगर कोई आगे डिवाइडेड होगा सेपरेटेड होगा तो वो और डिटेल सर्वे कल किया जाएगा, लेकिन जितना अभी तक कंफर्म किया गया है वो 21 घर जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी तक इसमें किसी व्यक्ति के या फिर किसी अन्य जो है किसी की क्षतिग्रस्त होने की मृत्यु होने की सूचना सामने नहीं आई है, ना ही कोई ऐसी बॉडी मिली है। तो फिलहाल ये कैसे हैवानियत, ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिरकार दबंग आते हैं और पूरी की पूरी बस्ती को खाक कर जाते हैं।